हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करेले की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। करेला हर कोई अपने घर में बनाता है और हर किसी को करेला बनाना आता ही है, लेकिन अगर आप एक बार इस तरीके से करेला बनाएंगे तो आपको यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। करेले का टेस्ट इस तरीके से बनाने से काफ़ी बढ़ जाता है, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम करेले ले लिए हैं। 1 घंटा कट करके मैंने इन्हें नमक लगा के छोड़ दिया था। इस तरीके से मैंने मोटे मोटे पीसेस में इन्हें कट किया है। अब एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 4 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। तेल गर्म हो जाने पे मैं यहाँ पे आधा चम्मच जीरा और 5 से 6 लहसुन की कलियों को 1 से 2 सेकंड के लिए भून लूँगी। 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में कट किया है और अब मैं इन्हें 2 से 3 सेकंड के लिए भूनूंगी। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2 से 3 सेकंड के लिए ही भूनना है। देखिए, अब मैं इसमें कट किया हुआ करेला डाल दूंगी और करेला डालने के साथ ही मैं यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी का पाउडर इसमें डाल रही हूँ और 2 छोटी चम्मच मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। ध्यान रहे, नमक हमें सोच के ही डालना है क्योंकि करेले में भी हमें पहले नमक लगा के छोड़ा था। तो देखिए, अब मैं इसे ढककर करीब 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 से 6 मिनट में ये इस तरीके से नज़र आएगा। बीच बीच में हमें इसे चेक करते रहना है वरना जो करेला है वो जल सकता है। अब मैं इसमें 2 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच मैं इसमें अमचूर का पाउडर डाल रही हूँ। 1 बड़ी चम्मच मैं इसमें गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स हो जाने के बाद हम वापस ढककर 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। देखिए, अब ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। जो हमारे करेले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो हमारी सब्जी है उसमें एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच इसमें मूंगफली का पाउडर डाल रही हूँ जो कि मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर ली है। और अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। गैस की फ्लेम को हम तेज कर लेंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए इसे तेज फ्लेम पे हम इस तरीके से हाथ को चलाते हुए भूनेंगे। तो देखिए, अब जो हमारी सब्जी है वो बनके बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। यकीन मानिए, इसका स्वाद आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।